दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। और आज हम बात करेंगे थ्री माइक प्लस वन अक्स इनपुट इस सर्किट की। इस सर्किट को इस तरीके से बनाया गया है कि ये सिंगल सप्लाई 12 वोल्ट पर काम करे, जिससे 44-40 या कुछ इस तरीके के जो नॉर्मल एम्पलीफायर्स होते हैं जो 12 वोल्ट से वर्क करते हैं उसमें ये आसानी से लग जाए। तो ये एक तरीके का मल्टीपल सर्किट है जो बहुत सारे लोगों को ये काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों हमारा ये माइक्रोफोन सर्किट LM324 इस आईसी से बना हुआ है। एक्चुअली ट्रांजिस्टर से भी बनाया जाता है, लेकिन ट्रांजिस्टर से यही सर्किट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और कई बार नए यूज़र को बनाने में बेहद तकलीफ होती है। तो फिलहाल ये सर्किट बन जाने के बाद किस तरह दिखेगा आपको मैं बता दूं। तो ये वो रहा वो सर्किट। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पावर सप्लाई से। तो देखिए दोस्तों इस आईसी को हमें सिंगल सप्लाई से पावर अप करना है, तो 12 वोल्ट इसको दिए जाएंगे। दोस्तों इस आईसी की पिन नंबर 4 पर हमें पॉजिटिव सप्लाई देनी है और पिन नंबर 11 पर निगेटिव। ये मैंने पॉजिटिव निगेटिव लिख दिया है, यानी कि ये पावर सप्लाई का है। एक्चुअली इस पावर सप्लाई के पहले हमें कैपेसिटर और कुछ ऐसा लगाना पड़ सकता है इसमें फिल्टर करने के लिए, जो कि मैंने PDF फाइल जो बनाई है उसमें कैपेसिटर वगैरह वो सब लगा रखे हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, केवल सर्किट डायग्राम को ईजिली समझने के लिए मैं यहाँ मिनिमम कम से कम राइटिंग कर रहा हूँ। हमें इसमें 3 माइक्रोफोन इनपुट देने हैं। तो हमारा देखिए पिन नंबर 1 और 2 और ये 3, ये एक सेक्शन हो गया, 5, 6, 7 ये दूसरा सेक्शन हो गया, 8, 9, 10 ये तीसरा सेक्शन हो गया, 12, 13, 14 ये चौथा सेक्शन है। दोस्तों इस आईसी में 4 सेपरेट ऑपरेशनल आईसियां इनबिल्ड हैं। माइक्रोफोन 1 का इनपुट हमें पिन नंबर 2 पर देना है। उस माइक्रोफोन इनपुट करने के लिए हमें यहाँ से माइक हम इन करेंगे, 2 वायर जो माइक्रोफोन में जाएंगे, माइक्रोफोन सॉकेट में ये वायर लगने वाले हैं। ये एक कैपेसिटर के जरिए 1 UF का है यहाँ पर। आप चाहें तो इसको कम रेंज का लगाइए जिससे कि साउंड जो है मिड रेंज में बनी रहे, इसके लिए 0.1 UF बेस्ट रहेगा। मैंने यहाँ एक्चुअली 1 UF लिख रखा है, तो 1 UF से मुझे उतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिला। साउंड में थोड़ा भारीपन आ जाता है, लेकिन अच्छी साउंड वही है जो थोड़ा मिड रेंज में रहे और क्लियर सुनाई दे। तो उसके लिए यहाँ पर 0.1 UF या 104 ये कैपेसिटर यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद 1K के रेजिस्टेंस के थ्रू पिन नंबर 2 पर हमारा माइक्रोफोन 1 का इनपुट हो गया। ठीक इसी तरीके से ये इनपुट होने के बाद में हमें पिन नंबर 1 से आउटपुट मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर पिन नंबर 1 से 1K रेजिस्टेंस के जरिए 1 UF के कैपेसिटर के बाद ये हमें माइक 1 का आउटपुट मिला, यानी माइक हमारा यहाँ लगा, सिग्नल हमारा माइक से यहाँ से एम्पलीफाई होके यहाँ पर मिल रहा है हमें। ठीक इसी तरह ये हमारा माइक्रोफोन 1 हो गया। अब हमें माइक्रोफोन 2 लगाना है, यानी कि दूसरा माइक्रोफोन अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक पिन नंबर 2 की तरह पिन नंबर 6 पर हमने माइक 2 का इनपुट दे दिया है। अब इस माइक 2 का इनपुट हमें पिन नंबर 7 से बिल्कुल इसी तरीके से मिल जाएगा। अब हमें यहाँ माइक 2 का आउटपुट ये पिन नंबर 7 से 1K रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर मिल गया। अब हम माइक 3 ऐड करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर माइक 3 इनपुट 1 UF और 1K रेजिस्टेंस के जरिए पिन नंबर 9 पर दे रखा है। अब इसी माइक 3 का इनपुट जो हो रहा है इसका आउटपुट हमें पिन नंबर 8 से बिल्कुल इसी तरीके से मिलेगा। तो हमारे तीनों माइक हो गए, माइक 1, माइक 2 और माइक 3। लेकिन इतना होने के बाद में ये तीनों माइक को मिक्स करके तीनों का इंडिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल लगा के हमें एक और सेक्शन की ज़रूरत होगी जो हमारा मिक्सिंग सेक्शन बनेगा। तो ये मिक्सिंग सेक्शन का काम ये रहेगा कि ये तीनों माइक्रोफोन का आउटपुट मिक्स करके वो एक सिंगल आउटपुट निकाले, क्योंकि यहाँ हमें 3 आउटपुट मिल रहे हैं, आउटपुट 1, 2, 3, ये तीनों को मिक्स करना है और एक सिंगल आउटपुट बनाना है। तो उसके लिए हम इस पिन का यूज़ करेंगे, 13 और 14 पिन का। लेकिन ये माइक्रोफोन के बीच में
जो इनपुट और आउटपुट पिन के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगेगा, जिसे हम गेन का रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि ये गेन कंट्रोल। अब आपके माइक्रोफोन को गेन की कितनी ज़रूरत है ये आपको खुद डिसाइड करना है। तो आप यहाँ पर 100K से लेके 220K, 470K ऐसा रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जितना आपको गेन चाहिए। गेन से मतलब ये है कि आपके माइक्रोफोन से उतनी ही ज़्यादा साउंड आउटपुट आपके एम्पलीफायर में फीड होगी, भले ही आपने वॉल्यूम कंट्रोल कम से कम रखा है। यहाँ पर मैंने 220K का एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, ये रहा वो रेजिस्टेंस। अब हमें इसका एक सिरा पिन नंबर 1 से और दूसरा सिरा पिन नंबर 2 के बीच में जोड़ना है, यानी कि इनपुट और आउटपुट पिन के बीच में यह रेजिस्टेंस लगता है। तो चलिए जोड़ देते हैं, ये मैं जोड़ दिया इसे पिन नंबर 1 से। ठीक उसी तरह दूसरा सिरा ये पिन नंबर 2 पर जुड़ गया। अब इसका भी गेन रेजिस्टेंस उसी तरह का जुड़ेगा, 6 और 7 के बीच में। ये हमने माइक 2 का रेजिस्टेंस 220 के जोड़ दिया है पिन नंबर 6 और 7 के बीच में, 220 के। ठीक इसी तरीके से माइक 3 के बीच में भी यहाँ पर उसी तरीके से गेन रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा। हमारा ये सर्किट बोर्ड सिंगल सप्लाई पे काम कर रहा है, इसीलिए पिन नंबर 3, 5, 10, 12 इसके बीच में कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करना होगा। डबल सप्लाई से काम करने पर पिन नंबर 3, 5, 10, 12 को हम GND से कनेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल सप्लाई होने की वजह से कुछ अलग सा अरेंजमेंट है। हमने यहाँ पर पिन नंबर 3 और 5 को शॉर्ट किया है और 12 और 10 को शॉर्ट किया है। अब हमें 5 और 10 यानी कि 3, 5, 10, 12 को आपस में शॉर्ट करना है। तो ये दोनों शॉर्ट हो गई, इधर से ये दोनों शॉर्ट हो गई, और मैं इसको यहाँ से होते हुए ये शॉर्ट कर दिया हमने इस तरीके से, ये चारों पिन शॉर्ट हो गई। यहाँ पर हमने 10K की रेजिस्टेंस से पॉजिटिव सप्लाई से यानी पिन नंबर 4 से एक 10K की रेजिस्टेंस लगा के इस पिन पर दिया है, ये दोनों शॉर्टिंग पिन पर। ठीक उसी तरह का निगेटिव सप्लाई लगा के 10K के रेजिस्टेंस से पिन नंबर 12 और 10 और इनके बीच में ऐसे रखा है। थोड़ा नज़दीक से देखते हैं, दोबारा समझ लेते हैं। पिन नंबर 4 पर पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, यानी कि पिन नंबर 4 यानी प्लस साइड एक रेजिस्टेंस लगा के पिन नंबर 5 और 3 को जहां शॉर्ट किया वहां जोड़ना है। फिर ये 5 और 10 शॉर्ट है। उसी तरीके से निगेटिव सप्लाई से एक 10K के रेजिस्टेंस लगा के यहाँ 12 और 10 जहाँ शॉर्ट है वहाँ पर हमने एक जोड़ा है। तो इससे क्या होगा कि इन पिन पर टोटल सप्लाई का हाफ वोल्टेज आ जाएगा। अब इसको अच्छी तरीके से रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर हमें एक कैपेसिटर लगाना है 104 का। ये हमने 104 का कैपेसिटर यहाँ से लगा दिया है, ये माइनस से जोड़ा है। एक्चुअली ये सिंगल सप्लाई है इसलिए प्लस और माइनस होगा, तो ये माइनस का मतलब कन्फ्यूज़न ना हो, तो यानी कि ये भी इसी तरीके से जो माइनस का सिंबल है उससे हम बताते हैं। तो इस तरीके से हमारे माइक्रोफोन के सारे इनपुट और आउटपुट हो गए। अब हमें इसे कंबाइंड करना है। पिन नंबर 13 से हमें सभी माइक्रोफोन के इनपुट्स देने हैं और पिन नंबर 14 से हमें एक सिंगल आउटपुट मिलेगा जो कि हमारे पावर एम्पलीफायर को जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आउटपुट कनेक्शन को जोड़ते हैं जो पावर एम्पलीफायर में जाने वाला है। हमने पिन नंबर 14 से 1K रेजिस्टेंस और 1UF कैपेसिटर के जरिए आउटपुट निकाल लिया है। ये आउटपुट हमारा पावर एम्पलीफायर को जुड़ेगा। तीनों माइक के इंडिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पर बनाए हैं। यहाँ पर हमारे तीनों माइक के वॉल्यूम कंट्रोल पर जो सेंटर सिरा है 47K के रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ सिग्नल आएगा। अब ये सिग्नल जो है कंबाइंड सिग्नल आएगा हमारा पिन नंबर 13 से। हमारे वॉल्यूम कंट्रोल का एक सिरा माइनस से जुड़ा रहेगा, ये निगेटिव सिंबल हमने यहाँ दिखा दिया है।
अब रह गया वॉल्यूम कंट्रोल का एक एक सिरा बाकी है। तो यहाँ पर हम जो माइक्रोफोन का वन का आउटपुट है यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए ये माइक्रोफोन वॉल्यूम वन जो है इसका एक सिरा खाली है, इसका आउटपुट जो है जहाँ से आ रहा है हमारा आउटपुट यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक इसी तरह वॉल्यूम नंबर टू इसका आउटपुट हमारा माइक टू का जो आउटपुट है ये जाके हमारा यहाँ जुड़ जाएगा। तो जोड़ देते हैं। ठीक इसी तरीके से माइक थ्री का एक सिरा वॉल्यूम नंबर थ्री पर चला जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों माइक वन, माइक टू, माइक थ्री इनके इंडिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल्स आ गए। माइक सॉकेट हमारी यहाँ इनपुट पे लगनी है, माइक सॉकेट टू इनपुट यहाँ होगा और माइक सॉकेट थ्री, इन सभी का आउटपुट एक दो और ये तीनों कंबाइंड होकर वॉल्यूम कंट्रोल पे आके यहाँ से सब कंबाइंड आउटपुट जो निकल रहा है माइक्रोफोन का इस आईसी के इसमें इनमें जाएगा पिन नंबर 13 में। यहाँ से ये एम्पलीफाई होके ये आउटपुट हमें यहाँ पर मिलेगा पिन नंबर 14 पे, ये हमारा एम्पलीफायर को कनेक्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर अब हमें एक गेन रेजिस्टेंस और जोड़ना पड़ेगा इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ पर इस गेन रेजिस्टेंस की वैल्यू अब 220 नहीं होगी, क्योंकि अगर आप 220 के का लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा और डिस्टॉर्शन बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में आप यहाँ पर 10 के से लेके 47 के बीच में आप कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। 10 के में आपको कम गेन मिलेगा और 47 में ज़्यादा मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपका पावर एम्पलीफायर कितने गेन पर सेट हो जाता है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ यहाँ पर 22 के, ये मैंने उस रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख दी है। अब इसके बाद मैंने कहा था ऑक्सिलरी इनपुट। अब ऑक्सिलरी इनपुट हम किस तरीके से इसमें दे सकते हैं, यानी कि किसी भी यूएसबी ड्राइव को इस इनपुट में हम कैसे कनेक्ट करें। ऑक्सिलरी इनपुट के लिए हमने यहाँ पर एक वॉल्यूम कंट्रोल ड्रॉ किया है। वॉल्यूम कंट्रोल का एक सिरा निगेटिव से जुड़ा है। यहाँ पर हमें यूएसबी या कोई भी ऑक्सिलरी जो आप इनपुट में देना चाहते हैं वो यहाँ पर कनेक्ट कीजिए और एक माइनस के साथ में। और देखिए ये वॉल्यूम कंट्रोल को 47 के इस रेजिस्टेंस के साथ इसी लाइन से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली हम यहाँ से सिग्नल इनपुट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो एक कैसा लगाया सेम एक और लगा सकते हैं। तो ऑक्सिलरी आप और एडिशनल ऐड कर सकते हैं, इसमें दो तीन चार जितना आपको ज़रूरत है दो तीन ऑक्सिलरी आप इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यह सर्किट कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों अब हमारा यह सर्किट टेस्टिंग के लिए पूरी तरीके से रेडी है। यहाँ पर मैंने टेस्टिंग करने के लिए एक TP3116 का एक नॉर्मल एम्पलीफायर बोर्ड यूज़ किया है और यहाँ पर यह हमारा माइक्रोफोन सर्किट है जिसमें 3 माइक्स इनपुट है। लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे पास केवल 2 सॉकेट्स अवेलेबल थे, इसीलिए मैं 2 ही टेस्ट कर रहा हूँ और ये दोनों माइक सॉकेट्स के 2 इंडिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं। और इस सर्किट को पावर अप किया गया है लैपटॉप चार्जर से। ये लैपटॉप चार्जर का पावर सप्लाई केबल है, ये पावर सप्लाई केबल है जिससे इसी वायर से 18 वोल्ट इस बोर्ड को भी जा रहा है और यही 18 वोल्ट इस प्री एम्पलीफायर माइक्रोफोन प्री एम्पलीफायर सर्किट को भी जा रहा है। तो चलिए स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते ही हमारा ये ग्रीन LED जलेगा। ये LED हमारा जलना शुरू हुआ। हल्का थोड़ा नॉइस है क्योंकि वायरिंग खुली हुई है, अर्थ शील्ड बराबर न होने कारण थोड़ा नॉइस होता है। ये माइक हमारा लग गया है, ये हमारा माइक्रोफोन्स है। हेलो 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 चेक हेलो हेलो हेलो। अभी मैंने वॉल्यूम कंट्रोल बिल्कुल 0 कर रखा है इसीलिए माइक्रोफोन से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो 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 चेक हेलो 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 शेक हेलो 1 2 3। स्वागत है दोस्तों आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में और आज हमने ये माइक्रोफोन सर्किट बना लिया है और हम इसे टेस्ट कर रहे हैं।
एक्चुअली मल्टीपल माइक्रोफोन्स यूज़ करने का जो सर्किट्स होता है जिसमें मल्टीपल माइक्रोफोन्स होते हैं, उस सर्किट की ख़ास बात ये होनी चाहिए कि आप अगर एक माइक्रोफोन की आवाज़ को कम ज़्यादा करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट दूसरे माइक्रोफोन पे बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर कई बार ऐसा होता है कि आप एक माइक की आवाज़ कम करते हैं तो दूसरे माइक की भी आवाज़ कम हो जाती है या वो डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। इस सर्किट में हर एक माइक्रोफोन बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम करते हैं और किसी भी माइक्रोफोन की आवाज़ को कम या ज़्यादा करने से दूसरे माइक्रोफोन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये सर्किट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।